बिहार सरकार के तहत एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत। देखिए, अगर आप किसान हैं और आप सुगंधित और औषधीय पौधों का जो है यहाँ पे खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको बिहार सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है आपको प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट की जाएंगे। इसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पे अगर आप किसान हैं और अपने खेतों में जो है आप सुगंधित फूल और औषधीय पौधों का जो है यहाँ पे खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा। क्योंकि अगर जब तक आप प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक आप उसके बारे में जो है खेती के बारे में डिटेल जानकारी नहीं हो पाने के कारण जो है आप जो है इन जो है सुगंधित जो यहाँ पे और औषधीय पौधों का जो है यहाँ पे आप खेती नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है यहाँ पे डेट जो है 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट कर रही है बिहार सरकार। इसके तहत आपको पूरी प्रशिक्षण दी जाएंगी कि कैसे आप जो है खेती करेंगे, और अच्छी खासी जो है यहाँ पे आपको बिहार सरकार अनुदान भी देगी। तो इसमें कौन कौन सी जो है यहाँ पे खेती और कौन कौन से जो है यहाँ पे औषधीय पौधे और सुगंधित पौधों की खेती की जाएंगी उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लेमन ग्रास की, पान रोजा की, तुलसी की, और यहाँ पे क्या है शतावरी की और खस की जो है यहाँ पे आपको खेती करने के लिए जो है प्रशिक्षण दी जाएंगी। यहाँ पे इकाई लागत में प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 1.5 लाख रुपए जो है यहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो है इसमें खर्चा होंगे खेती करने के लिए, जिसमें बिहार सरकार आपको सभी के लिए जो है यहाँ पे लेमन ग्रास के लिए, पान रोजा के लिए, तुलसी के लिए, शतावरी के लिए और यहाँ पे क्या है खास के लिए जो है आपको 50% तक की अनुदान जो है बिहार सरकार आपको देगी, और इसमें आपको प्रशिक्षण भी देगी। और इसके लिए जो है कौन कौन जिला जो है भाग ले सकते हैं, तो लेमन ग्रास के लिए गया, जमुई, नवादा जिला जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप पान रोजा की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए गया, जमुई, नवादा जो है अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप तुलसी की खेती करना चाहते हैं तो गया, जमुई, नवादा अप्लाई कर पाएंगे। आप शतावरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गया, जमुई, नवादा जिला ही अप्लाई करेंगे। अगर आप खस की खेती करना चाहते हैं तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, वैशाली जिला जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक अच्छी यहाँ पे जो है बिहार सरकार के तहत जो है निकाली गई है योजना, जिसके तहत जो है आप इसके लिए जो है प्रशिक्षण लेके खेती करके जो है अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसमें बिहार सरकार भी आपको 50% तक के जो है अनुदान दे रही है, और इसमें प्रशिक्षण के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो इसके लिए प्रशिक्षण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। आवेदन जो है 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है। आवेदन कहाँ होंगे तो देखिए, इसके लिए आपको सिंपली horticulture.bihar.gov.in के वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे आप आवेदन करेंगे, आपको जो है यहाँ पे आवेदन करने के बाद जो है आपको प्रशिक्षण दी जाएंगी, और जिसके लिए आप खेती करना चाहते हैं उसको खेती कर सकते हैं। आपको इसमें 50% तक की अनुदान जो है बिहार सरकार आपको देंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे जिला दी गई है वही जिला अप्लाई करें, इन्हीं जिलों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे लाभान्वित जिला दी गई है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अवयव का नाम भी दिया गया है, इकाई लागत कितना लगेगा और यहाँ पे बिहार सरकार आपको कितनी अनुदान देगी उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई हैं। और यह योजना जो है 2024-25 के लिए यहाँ पे आवेदन जो है 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। आवेदन के लिए आपको horticulture.bihar.gov.in के वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, कई वीडियो में हमने बताया है कि हॉर्टिकल्चर में जो है कैसे आप जो है आवेदन करेंगे। सेम प्रोसेस है, जाके आवेदन आप इच्छुक हैं तो कर सकते हैं। किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो इच्छुक किसान हो उनको पता चल सके और इस फॉर्म को जो है फिल करें और अनुदान लेके खेती कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।